लेकिन किसी भी कोने से आ रहे हो कश्मीरी गेट आ सकते हो और 7 नंबर गेट से एग्जिट करके लगी हुई है हरियाणा रोडवेज की बसेस, जिसमें आज हमारी जर्नी होने जा रही है भाई। ये बस आपको प्लेटफॉर्म नंबर 28 से मिलने वाली है। और हे गाइस, मैं हूं जीतू और फिर से आपका स्वागत है एक नए जर्नी ब्लॉग में। और आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी की एक बस जर्नी कराने वाला हूं और साथ साथ आपको बताऊंगा कि वहां बसों के क्या टाइमिंग है और बस कितना टाइम लेगी, किराया कितना होने वाला है और बेस्ट वे क्या होने वाला है और दिल्ली आपको बस कहाँ से मिलेगी, छोटी बड़ी सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप प्लान कर रहे हैं दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी जाने का तो आप बिल्कुल राइट वीडियो पर आए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए गाइस, आज मेरे साथ करिए दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी की बस जर्नी। और आप दिल्ली के किसी भी कोने से आ रहे हो कश्मीरी गेट आ सकते हो और 7 नंबर गेट से एग्जिट करके और जस्ट सामने ही है आईएसबीटी कश्मीरी गेट का। देख रहे हैं सामने ही है उसका मेन गेट जहाँ पे लिखा हुआ है आईएसबीटी कश्मीरी गेट। चलिए गाइस एंट्री करते हैं। और ये देख रहे हैं इसका एंट्री गेट है, सामने सिक्योरिटी पॉइंट है। तो चलिए गाइस सिक्योरिटी पॉइंट से हम चेकिंग करवा लेते हैं, फिर अंदर लेते हैं एंट्री। और जैसे आप सिक्योरिटी पॉइंट चेकिंग करेंगे सामने आपको इन्फॉर्मेशन काउंटर मिल जाएगा और जस्ट बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्टेट वाइज काउंटर मिल जाएंगे। हरियाणा रोडवेज हो गया आपका, राजस्थान रोडवेज हो गया, जम्मू कश्मीर रोडवेज हो गया, सबके आपके उत्तर प्रदेश परिवहन रोडवेज हो गया, सबके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अलग अलग काउंटर बने हर स्टेट के हिसाब से। यहाँ पे इसके अंदर भी जैसे तक आपको काफ़ी सारी शॉप मिल जाएगी जहाँ पे आप खा पी सकते हैं, नाश्ता पानी कर सकते हैं और ऊपर आपको इस तरह से वेटिंग एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने बस का वेट कर सकते हैं। और अभी मैं ऊपर देखिए और नीचे भी इस साइड से देख सकते हैं वेटिंग पूरा हॉल बना हुआ है और खाने पीने की फैसिलिटी व्यवस्था भी यहाँ पे है। और जैसे आप आएंगे आपको दिख जाएगा यहाँ पे कटरक साइड जाने वाली बस, तो इसी कोड देख के आपको साइड जाना है और साइड सारी बसें लगी हुई हैं जो कि कटरा जम्मू पंजाब साइड से जाएंगी। अभी आप देख रहे हैं कश्मीरी गेट आईएसबीटी का पूरा डिपो है और यहाँ से आपको हरियाणा रोडवेज की बसेस मिल जाती हैं, उत्तर प्रदेश की बसेस मिल जाती हैं और मोस्टली जगहों की बसेस यहाँ से जाती हैं। बाकी अभी आप देख रहे हैं इस साइड लगी हुई है हरियाणा रोडवेज की बसेस, जिसमें आज हमारी जर्नी होने जा रही है भाई। और देख रहे हैं यही बसेस आज हमारी जर्नी होने जा रही है रेवाड़ी दिल्ली जम्मू कटरा, तो इसी से आज हमारी जर्नी होने वाली है। और ये देख रहे हैं हमारी बस है, बाकी अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 7:50। और आज हमारी जर्नी होने जा रही है वो हरियाणा रोडवेज में होने वाली है और फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ हरियाणा रोडवेज का। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है और जो भी होगा आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो बाकी मेरे पीछे हमारे पीछे लगी हुई है बस हरियाणा रोडवेज की, चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हमने टिकट ले ली हमने और सामने बस है, चलिए गाइस अंदर चलते हैं और आपको अंदर से बस का पूरा इंटीरियर दिखाते हैं, बस किस तरह पूरी होने वाली है भाई। इसी बस से आज हमारी पूरी जर्नी होने वाली है भाई, ये देख लीजिए ये पूरी बस हमारी आज। बाकी चलिए गाइस मैं आपको अंदर से बस का पूरा इंटीरियर दिखा देता हूँ कि बस किस तरह से पूरी होने वाली है। तो ये देख सकते हैं ये है आपका पूरा ड्राइवर का केबिन और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3x2 की पूरी सीट मिलने वाली है और हमने जो सीट ली है वो जस्ट इस साइड की और इसी बस में आज हमारा पूरा जर्नी होने वाला है। और वैसे भी जब यहाँ पहुँचेंगे ना आपको काफ़ी सारे कंडक्टर आपका आवाज़ लगाते दिख जाएंगे कटरा जम्मू कश्मीर पंजाब इस तरह से, ठीक है? तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है आपको। ये बस आपको प्लेटफॉर्म नंबर 28 से मिलने वाली है और यहाँ पे नंबर डाले हुए हैं तो 28 से ही आपको ये बस मिल जाएगी जस्ट सामने खड़ी। सो गाइस 8:21 हो गए हैं और हमको हमारी गाड़ी का चलने का टाइम हो गया, चलिए गाड़ी चलते हैं अंदर बैठते बस के अंदर। और अभी घड़ी में 8:30 हो रहे हैं, लेट्स सी हमारी बस को कटरा पहुंचने में कितना टाइम लगता है। बाकी अभी आप देख रहे हैं ये हमारी बस की लाइव स्पीड है और वहीं बात करूँ इसके एवरेज स्पीड की तो काफ़ी अच्छी है 60-70 के बीच में और जो इसकी टॉप स्पीड जाती है वो 80-85 के बीच में जाती है।
है अभी 11:33 हो रहे हैं और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है अम्बाला कैंट, और हमारी गाड़ी कश्मीरी गेट से 8:30 चली थी। 5 मिनट अपने बाद फिर हमारी गाड़ी बुक कर चुके हैं सफ़र के लिए। तो गाइस घड़ी 12:54 हो रहे हैं और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है ढाबे पे, और अभी आप देख रहे हैं ये ढाबा है जिसमें हमारी बस रुकी हुई है भाई, और इस तरफ पर ढाबा है देखिए। तो गाइस अभी घड़ी में 1 बज रहे हैं और हमारी बस पहुंच चुकी है जस्ट ढाबे पे, और कश्मीरी गेट 8:30 चली थी और घड़ी अभी 1 बज रहे हैं, तो यानी कि 4 घंटे से ऊपर से अभी बस चली है कंटिन्यूसली और 1 बजे रुके ढाबे पे, और अभी मैंने अपना डिनर करा है तो काफ़ी ज़्यादा लेट रुकी है। और वहीं बात करूँ डिस्टेंस की, 234 किलोमीटर का डिस्टेंस अब तक हमारी बस ने पूरा कवर कर लिया है, और कश्मीरी दिल्ली से कटरा तक का जो डिस्टेंस 650 किलोमीटर करीब है, तो करीब करीब हमने 40% अपना सफ़र कंप्लीट कर लिया है। लेट्स सी हमें कटरा पहुँचने में कितना टाइम लगता है, अभी तो 1 बज रहे हैं। मैं बात करूं दिल्ली से कटरा तक का जो बस किराया मेरा लगा है वो लगा है 810 रुपये हरियाणा रोडवेज़ का, तो ये किराया होने वाला है भाई अगर आप दिल्ली से कटरा का सफ़र करते हैं भाई बस हरियाणा रोडवेज से। और बाकी अभी हमारी खड़ी है बस सामने ये जस्ट, और मैं हमें बात करूं इसके रूट की, तो ये दिल्ली से निकलेगी जलंधर होते हुए पठानकोट होते हुए पहुँचेगी जम्मू कश्मीर कटरा। सो गाइस 1:30 हमारी बस पहुंच गई जलंधर बस डिपो, और यहां पे 5 मिनट रुकी गई हमारी बस। सो गाइस अभी घड़ी में 4:50 के करीब हो रहे हैं और हमारी गाड़ी रुकी है ढाबे पे, और यहां से अब जो हमारी, और यहां से बात करूं पठानकोट के, तो यहां से सिर्फ 20 किलोमीटर करीब पठानकोट है, और अब मोबाइल के नेटवर्क चले जाएंगे भाई। The next morning. साथ 46 पे हमारी बस ने एंट्री ले लिया जम्मू तवी में, और यहाँ से अब जम्मू सिटी स्टार्ट होती है इसके आगे से।
ये देखिए भाई, यहाँ से ग्लेशियर दिख रहे हैं, बिल्कुल बर्फ जमी हुई है पहाड़ों के ऊपर। अभी भी यहाँ पे मतलब ठंड है। अभी इस रोड पे काम चल रहा है और इसको 4 लेन रोड बनाया जा रहा है। बाकी हमारी बस यहाँ पे रुकी है, यहाँ पे चेक पॉइंट है, चेकिंग होती है फिजिकली, उसके बाद फिर आगे यात्रा स्टार्ट होती है। बाकी आप देख रहे हैं, अगर आप बस आएंगे तो बस आपको यहीं उतार देगी, क्योंकि आगे बस जाना अलाउ नहीं है इस समय। सो गाइस, हम लोग बस के 14 मिनट हो रहे हैं और हमारी बस ने हमें उतार दिया है बस स्टैंड पे। बाकी आप देख रहे होंगे, यहीं से आपको रास्ता दिख रहा होगा माता वैष्णो देवी की ट्रैकिंग का। बाकी आपको तो ये रास्ता दिख रहा भाई, ये है रेलवे स्टेशन की तरफ से। अगर आप रेलवे स्टेशन की तरफ से आएंगे तो ये रास्ता इस साइड से होके सामने है कटरा बस स्टैंड। बाकी आज है 8 तारीख और 9 तारीख, कल से नवरात्र स्टार्ट है। तो भी आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ सजावट करी गई है और लिखा है वेलकम टू नवरात्रा फेस्टिवल। और जब आप इस कटरा चौराहे पे आएंगे तो जस्ट आपको सामने दिख जाएगा यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और आपको आई कार्ड आपको मिल जाता है, फिर आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। विदाउट इसके आप यात्रा नहीं कर सकते और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सुबह 5 बजे खुल जाता है, शाम को 10 बजे तक खुला रहता है। और जब भी आप आएंगे तो जस्ट बस स्टैंड के अंदर आएंगे तो जस्ट आपको सामने दिख जाएगा निहारिका कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे आपको डोमेट्रिक और रूम दोनों मिल जाते हैं। और बात करो डोमेट्रिक की तो 150 रुपये में मात्र आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहीं पे आइएगा भाई और साथ साथ आप यहाँ पे आके खा पी सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी की ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे भोजनालय की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं, देख रहे हैं ये श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की तरफ से है अन्नपूर्णा भोजनालय, जहाँ पे आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में भोजन मिल जाता है। बाकी देख रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पूरी चना लिया है और चाय ली है, जो कि मुझे जस्ट 40 की पड़ी है। और ये पूरी चना मान लो छोले, अपने छोले भटूरे की तरह ही होते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे ऑर्डर करा है पूरी और छोले, और बेसिकली जो हमारे दिल्ली में छोले भटूरे होते हैं उसी कैटेगरी का होता है। तो आज अपने मॉर्निंग स्वाद हम इसी चीज़ से कर रहे हैं, तो चलिए इसको फिनिश कर लेते हैं। और इसका जो बात करूँ प्राइस की, तो 38 रुपीज़ का प्राइस था। बाकी छोले भी देख सकते हैं, छोले भी काफ़ी बढ़िया है। तो अभी इसको फिनिश कर लेते हैं और अपना फिर आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फाइनली मेरी बस की जर्नी पूरी हो गई दिल्ली से कटरा की। और अब बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस की। तो जो मैं फर्स्ट टाइम हरियाणा रोडवेज की बस से मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो बात करूँ यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस की, तो जो उसकी स्पीड है भाई, वो स्पीड एक नंबर की थी। और बस ने हमें मतलब दिल्ली से 8:30 बजे करीब चली थी और यहाँ पे हमें उसने 9:30 बजे करीब, यानी कि मोटा मोटा 12.5 घंटे करीब उसने लिया और हमें छोड़ दिया कटरा पे। और सब कुछ बढ़िया था भाई, बाकी थोड़ी सीट अनकम्फर्टेबल होती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं, चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी और एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा भाई, काफ़ी बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन आपको मेरे इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ जो होने वाला है श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का।